कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल पे 10,000 व्यूज लेके आ सकते हैं, अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि अब जो YouTube का एल्गोरिथम, यह कहा जाए, अब उनके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो चुके हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि अगर आपके चैनल पे 10,000 व्यू होंगे तभी आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे कुछ ऐसी टिप दूंगा दोस्तों जिससे कि आपके व्यूज ही नहीं, आपके सब्सक्राइबर ही बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल जो है सक्सेस में आएगा, ग्रो करेगा दोस्तों। आज मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करूंगा, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सर्च करके आपको बता दिया, मैं अपने खुद के पर्सनल से आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ 10,000 व्यू तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसे टिप दूंगा मैं जिससे कि आप हमेशा सक्सेस पा सकते हो, यूट्यूब के अंदर अपना करियर बना सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाएंगे और अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे, अपने वीडियोस का वॉच टाइम किस तरीके से बढ़ाएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली दोस्तों तो आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर की कमी नहीं होगी दोस्तों। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर आप अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, मेरे खुद के डेली के सब्सक्राइबर 500 600 700 डेली कैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स दूंगा दोस्तों जो हमेशा आपके काम आने वाली है। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख दी तो आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों आपके सब्सक्राइबर या कहा जाए व्यूज़ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप देने वाला हूँ, अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने वीडियो में टैग डालें जिससे कि आपकी जो वीडियो है वो ग्रो में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो का वॉच टाइम है सजेस्टेड में आए। क्या ऐसा करें कि आपकी जो चैनल का ग्रो है वो कैसे मतलब चले, तो ये यहाँ पे काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट बात बस यहीं पे है कि आप जो है ये सोचते हैं कि यार मतलब व्यू कैसे लाएं। तो आपको वीडियो के जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं वही एक ऐसा टाइम होता है जब आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है उसी टाइम पे कि आपको किस तरीके से अपनी वीडियोज़ में व्यूज़ लाने दोस्तों। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, तो यहाँ पे मैं अपनी एक YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि क्या कैसे कैसे आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर टैग डालने, डिस्क्रिप्शन कैसे तरीके से लिखना है, क्या करना है वहाँ पे, और बहुत सी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी दोस्तों। अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देख ली, मैं 100% दावा करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे दोस्तों। मैं खुद ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पर्सनली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या ये नहीं कि मैंने कहीं से सर्च करके या फिर कुछ भी देख के आपको दोबारा बता दिया दोस्तों। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जब वीडियो अपलोड करते हैं वही एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आपको व्यूज़ लाने होते हैं दोस्तों। तो आप क्या करिए, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वही आपको करना है जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे, जिससे कि आपका जो चैनल ग्रो हो, साथ ही साथ आपके 10,000 व्यू तो बात रही वो तो बड़ी आसानी के साथ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो साथ ही साथ आपका चैनल भी ग्रो होगा। तो दोस्तों आप क्या करिए, जब भी अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ पे चलिए मैं अपनी जो वीडियो एक अपलोड कर लेता हूँ अपने चैनल पे, तो सारा डिटेल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो आपको सिंपली सुनना है ध्यान से और देखना है जैसा मैं यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड करके दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम आपको वही प्रोसेस करना है। ये नहीं कि आपको कि मतलब जो भी बता दिया तो आप लोगों ने कर दिया, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ देखना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ देखना है, सुनना है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वही अपनी वीडियो में अपलोडिंग के टाइम सब कुछ करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप जब भी देखते हैं अपनी वीडियो को अपलोड करते हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शन मिलता है पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट शेड्यूल। तो आपको करना क्या है, बस आपको इतना करना है कि आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, प्राइवेट करते हैं अपनी वीडियोज़ को, बहुत से लोग पब्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको ना ही तो पब्लिक करना है ना ही तो आपको प्राइवेट करना है, आपको यहाँ पर चूज़ करना है अनलिस्टेड, उसके बाद आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी कोई वीडियो अपलोड कर लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी हो अपनी वीडियो को कहा जाए अपने वीडियो को अपलोड करने में, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ताकि आपके 10,000 व्यू आए और चैनल जो है ग्रो में हो, और साथ ही साथ आपकी जो है अर्निंग बढ़े दोस्तों। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी भी अर्निंग हो दोस्तों, आप भी अर्निंग करो और अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेस में लाओ। तो यहाँ पर हम एक अपना जो है एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको करना क्या है, तो आप टाइटल जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बस एक ही एक टिप दूंगा कि टाइटल आप किस तरीके से चूज कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि YouTube में जाता हूँ और YouTube में सर्च करता हूँ जिससे भी रिलेटेड मेरी वीडियो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वीडियो है हाउ टू अर्न मनी, फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो है हाउ टू अर्न मनी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल भी जो है बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ कि अगर आपने ये जो कर लिया अगर अपनी वीडियोस में, तो आपको कोई भी नहीं हो सकता YouTube के अंदर सक्सेस पाने से और सब्सक्राइबर बढ़ाने से। अगर मैंने यहाँ पे डाला हाउ टू अर्न मनी फॉर YouTube, अगर हम यहाँ पे डालेंगे
फॉर YouTube या कहा जाए हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डालता हूँ फ्रॉम YouTube, तो मेरा ये टाइटल है और मेरी ये वीडियो है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस टाइटल को कॉपी करिए सिंपली। अगर आपके पास ये PC नहीं है, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आपने मोबाइल से करते हो, तो आप सेम प्रोसेस सब कुछ अपने मोबाइल में भी ये सब कुछ कर सकते हैं, आपको पता है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो सिंपल चले जाइए, ये सब कॉपी करिए अपना टाइटल जो हमने वहाँ पर रखा था। और जो भी अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में वीडियो बनाते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, यानी कि यहाँ पे आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है हिंदी में और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे और जिस भी रिजल्ट आपको नंबर बिल्कुल हाइएस्ट बिल्कुल होगा उसको चूज़ कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साल पहले ये वीडियो पड़ी है जिसके व्यूज़ आप देख सकते हैं 57,000 है, और ये वीडियो पड़ी है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साल पहले यहाँ पे जो पढ़ी है आप ये देख सकते हैं हाउ टू मेक मनी यूट्यूब इन हिंदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने व्यूज़ हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका टाइटल जो है कॉपी कर लेना है। तो सिंपल आप क्या करिए, इसका टाइटल जो है कॉपी कर लेना है, आपको ऐसा कीवर्ड रखना है जिससे कि आपकी जो वीडियो है वो सर्चिंग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो टाइटल कॉपी करा था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद आप सिंपल जो चाहे वो यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका चैनल का नाम, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वाई ऑल अबाउट टेक हिंदी, ऐसे ही आप अपने चैनल का नाम जो है लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करना। तो यहाँ पे मैं चैनल का नाम लगा देता हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल जो भी आपने टाइटल लिया था वहाँ से आपको क्या करना, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो टाइटल है वो ऐसा ही रहे, तो आप सिंपल इस तरीके से टाइटल चूज कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको नंबर टू आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट भी होता है डिस्क्रिप्शन दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब, यानी कि आप मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी अपना डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मेरी आकाश नाम की एक फाइल बनी हुई है जिसमें कि मैंने अपना ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ, जो आपको समझाने के लिए काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है ऑल अबाउट टेक हिंदी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे अपने सब्सक्राइब का लिंक दिया, अपने चैनल का लिंक दिया है, ट्विटर का लिंक दिया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐसे ही गूगल प्लस का लिंक दिया, और अपने ऑल अबाउट टेक हिंदी चैनल का लिंक दिया है। और वैसे ही यहाँ पे मैंने अपने चैनल के बारे में डिस्क्राइब कर रखा कि ऑल अबाउट टेक हिंदी यूट्यूब चैनल वेर यू विल फाइंड टेक्नोलॉजी वीडियोस इन हिंदी। तो इस तरीके से आपको जितने भी आपके सोशल मीडिया के अंदर, आपके जितने भी आपका सोशल मीडिया के अंदर किसी भी चीज़ का फेसबुक या पेज या बनाया, या फिर आपके ट्विटर का पेज बना, आपको सभी सोशल मीडिया का लिंक देना उस डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जैसे कि हाउ टू अर्न मनी, तो आपको थोड़ा यहाँ पे टाइप करना है हाउ टू अर्न मनी से रिलेटेड, मतलब आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे आपको टाइप करनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे टैग, तो आपको इतना तो आपने कर लिया, अब टैग कहाँ से लें, मतलब टैग हमें लेने कहाँ से। तो आप जो मैं करता हूँ वो यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी कुछ इसी तरीके से करिए, और आप भी जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं अपने यूट्यूब को लेके दोस्तों, और अपने यूट्यूब चैनल को। तो सिंपली आपको करना है कि अपना गूगल खोल लेना है, और गूगल खोलने के बाद दोस्तों सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे जो भी आपका YouTube चैनल का जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल यहाँ पे कॉपी करिए, जैसे हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी ऑन YouTube, बस आपको इतना ही कॉपी करना है और Google में चले जाना है, और Google में जाके यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। तो सिंपल है, जब भी आप इसको सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे जितने भी रिजल्ट होंगे यहाँ पे आपको दे देगा कि हाउ टू मेक मनी। तो सिंपल आपको करना क्या, नीचे की तरफ आना, जितने भी टैग हैं यहाँ पे आपको, जितने भी आप देखते हैं यहाँ पे टैग सब रिलेटेड हैं YouTube से रिलेटेड, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube व्यूज, हाउ मच मनी फ्रॉम YouTube, हाउ टू मनी फ्रॉम YouTube बाय अपलोडिंग वीडियोस, मतलब जितने भी टैग हैं सिंपल आप क्या करिए, इन टैग्स को कॉपी करिए दोस्तों। आप यकीन मानो आपकी वीडियो के अंदर व्यूज़ की कमी नहीं रहेगी, ना ही आपके सब्सक्राइबर की। अगर आपकी एक भी वीडियो वायरल हो गई तो मैं आपको कहता हूँ कि आपका YouTube चैनल कोई भी, मतलब सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपकी एक भी वीडियो वायरल हो गई। आप अगर इसी तरीके से वीडियो डालेंगे तो आपका जो है हमेशा ये चैनल जो है सक्सेस रहेगा। तो आपको करना क्या है, ये हमेशा बात याद रखें कि जब भी आप वहाँ से कॉपी करें तो आपको करना क्या, आप अलग से इनको पेस्ट करके रख लीजिए कहीं पे भी, आपको जो पेस्ट करना है वो यहाँ पे नोटपैड में पेस्ट कर लीजिए, जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं उन टाइटल या उनका जो टैग्स को। तो हमने जितनी भी टैग्स है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है हर टाइटल के आगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दोस्तों। आपको वैसे ही करना है जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जब अपनी वीडियो आपको अपलोड करनी है बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, और यहाँ पे इनको कॉपी कर लेना है सिंपल। और उसके बाद अगर आपका चैनल सर्चिंग में नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं सर मेरा जो चैनल है, या फिर कहा जाए मेरे भाई मेरा चैनल जो है सर्चिंग में नहीं आ रहा है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा चैनल सर्चिंग में आ जाए। जैसे कि अगर आप मेरा चैनल सर्च करेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बहुत से लोगों की परेशानी ये रहती है कि इनका चैनल जो है सर्चिंग में नहीं आता है, तो अगर आप मेरा YouTube में चैनल सर्च करेंगे तो मेरा चैनल जो है बिल्कुल नंबर वन पे आएगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको,
जैसे कि मैं यहाँ पे अपना चैनल जो है सर्च कर रहा हूँ, और सर्च करने के बाद आपको दिखा दूँ कि जो मेरा चैनल है वो बिल्कुल नंबर वन पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल अबाउट टेक हिंदी, यानी कि जो मेरा चैनल है बिल्कुल नंबर वन पे आया। तो इसका रीज़न क्या है? तो आप सभी लोगों ने देख लिया कि मेरा चैनल जो है नंबर वन पे आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। जब भी आप अपना टैग डालते हैं, टैग का क्वेश्चन आता है, जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का नाम दीजिए करें, और जब भी आप टैग डालते हैं तो आपको नंबर वन पे करना है क्या, यहाँ पे ऑल अबाउट, जैसे कि मेरा चैनल का नाम यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऑल अबाउट टैग हिंदी। बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑल अबाउट टैग हिंदी। तो आपको भी ऐसे ही अपने चैनल का नाम डालना है नंबर वन पे। उसके बाद आप दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ऑल अबाउट फिर टैग हिंदी, तो कुछ इस तरीके से आपको हमेशा अपना नाम देना है, जिससे कि आपकी जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर कहा जाए रैंकिंग में आपका चैनल जो है आए। तो आपको हमेशा ही ध्यान देना है, और जो भी आपने वहाँ से हमने गूगल से टैग कॉपी करे थे तो वो यहाँ पे आपको सारे के सारे पेस्ट कर देने हैं। अब बारी आ जाती है शॉर्ट, यानी कि जितने भी टैग आपको डालने हैं वो आप जितने भी आपने टैग डाल दिए, आप शॉर्ट टैग, जैसे कि एक नंबर का टैग, दो नंबर का टैग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि अर्न मनी कुछ ऐसे डालना है ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टैग डालने हैं, मनी से रिलेटेड डाल दीजिए, जिससे भी मनी से रिलेटेड आपको तीन चार यहाँ पे टैग डाल देना है। और छोटे ज़्यादा टैग मत डालिए अपनी वीडियो के अंदर, बस थोड़े ही टैग डालिए, जिससे कि आपकी वीडियो यूट्यूब को ये ना लगे कि आपकी जो आपने जो वीडियो अपलोड करी वो आप स्कैम करके अपनी वीडियो को आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो आप ये कोशिश ये करिए कि वीडियो टैग जो है कम डालिए और बढ़िया टैग डालिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद मेन फोकस आता है कि आपका जो थंबनेल है वो ऐसा होना चाहिए। आपको मैं दिखा दूँ, जितने भी मेरी वीडियो के आप थंबनेल देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब थंबनेल ऐसे होने चाहिए कि आपकी जो भी वीडियो देखे वो मतलब देखता ही रह जाए कि थंबनेल है तो है कैसा, कि मतलब किस तरीके से बंदे ने थंबनेल जो है डाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वीडियो के थंबनेल कितने कूल हैं, मतलब अच्छे खासे थंबनेल लग रहे हैं। तो आपको भी ध्यान देना है कि आपकी जो थंबनेल है वो बिल्कुल ऐसे लगने चाहिए कि बंदा देख के एकदम से आपकी वीडियो पे क्लिक करके देखने लगे। तो आपको थंबनेल याद रखना है और टैग का पोर्शन याद रखना है। उसके बाद आपको मोनेटाइज करना है अपनी वीडियो को। अगर आपके जब 10,000 व्यू हो जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपके इस तरीके से आप अपनी वीडियो को जब पब्लिश करेंगे अनलिस्टेड से, जब आपका सारा का सारा काम हो जाता है थंबनेल लगाने के बाद सब कुछ, उसके बाद अपनी वीडियो को जो है पब्लिश करें, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में 100% 10,000 व्यूज़ का ज़्यादा से ज़्यादा व्यू ला सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। आप यकीन मानो कि आपके सब्सक्राइबर की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। और अपनी वीडियो को शेयर करिए जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है व्यू आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी और आपको क्या कुछ पता है दोस्तों। आप जो मुझे बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। अगर आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए दोस्तों तो आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। आप जरूर से आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप हमारी और वीडियोज़ देखते रहिए।